use of who and whom. Who का मतलब आपको पता ही है कौन, और whom का मतलब क्या होता है किसको. तो आज हम ये दो करने जा रहे हैं, ठीक है. तो इसको हम शुरू करते हैं. जैसे who मतलब कौन. जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो सबसे पहले हम who लगाते हैं टू फाइंड अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो जैसे हमने पूछा who is the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है. Who is, अगर हम यहां भूतकाल की बात करें तो हम लगा देंगे यहां पर who was the फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इस प्रकार अगर हम कहें फ्यूचर की बात who will be the नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इस प्रकार हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर सकते हैं जिससे इसका टेंस यानी के बदल सकता है, ठीक है. तो हु का मतलब होता है कौन, और इसको हम सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं और अंत में हम लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि ये सारे शब्द जो है क्वेश्चन वर्ड जो है ये सारे इनके पीछे क्या लगेगा हम क्वेश्चन मार्क. अगला है हु वाज द किंग ऑफ जंगल, जंगल का राजा कौन था, ठीक है. तो इस प्रकार के जब हम प्रश्न पूछते हैं कौन, और तो हम लगाते हैं डब्ल्यू एच ओ हु, क्लियर है. अगला एक और उदाहरण देख लेते हैं हम हु इन्वेंटेड द रेडियो, रेडियो का आविष्कार किसने किया, ठीक है. हम पहले भी पढ़ चुके हैं जो हु का प्रयोग हम करते हैं फॉर पर्सन टू फाइंड अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. अब हम इसमें देख रहे हैं हु इन्वेंटेड द रेडियो, रेडियो का आविष्कार किसने किया. तो हमें जो यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा वो सब्जेक्ट के रूप में प्राप्त होगा, क्लियर है. जैसे हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या होगा, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो ये हमें सब्जेक्ट के रूप में इसका आंसर मिलता है. आगे हम दो उदाहरण लेते हैं. Whom do you look for? तुम किसे खोजते हो या तुम किसको खोजते हो. तो यहां पर जब whom हमने लगाया ये किसके लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए. जब इसको whom का प्रयोग करेंगे तो टू फाइंड द ऑब्जेक्ट. अब यहां पर सब्जेक्ट है यू, तो जो इसका आंसर होगा तुम किसे खोजते हो, मैं राम को खोजता हूं, तो या कुछ और कुछ मैं किसी चीज को खोज रहा हूं, तो जो उसका आंसर मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा. तो whom to find the object, whom did Ram teach, राम ने किसको पढ़ाया, यानी वो कौन किसको पढ़ाया, ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर. तो जब हम whom का प्रयोग करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए यूज करते हैं. तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि who का प्रयोग टू फाइंड अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और जो whom का प्रयोग करते हैं वो टू फाइंड द ऑब्जेक्ट, क्लियर है. ओके, तो हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं. आप कोशिश करेंगे इसको घर पर बनाने की जो सिर्फ who और whom से ही शुरू होंगे. तो जो पहला वाक्य है वे लोग कौन है, वे लोग कौन है, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखें. और वर्ड हमारे सिर्फ इसमें दो ही यूज करेंगे हम, एक है हु और दूसरा है होम, ठीक है. हु का मतलब होता है कौन और होम का मतलब होता है किसको, क्लियर है. दूसरा जो क्वेश्चन है वह कौन था, तीसरा है कौन खा रहा है, चौथा है किसने मेरी घड़ी चुराई, भारत के राष्ट्रपति कौन है, छठा है तुम किसको गाली देते हो, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, आपने किसकी मदद की, तुमने किसको पूछा, और जो अंत में है हमारा तुम किसे सबसे अधिक प्यार करते हो. तो ये 10 हमने सेंटेंस बनाए हैं, आपको इसको
कन्वर्ट करना है और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इसको सेंड करना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर शुरू में दिया जाता है, आप वहां से उसको नोट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम ये ही नहीं, अगर आपको किसी और प्रकार की भी समस्या है एजुकेशन से रिलेटेड, कि आपके पास कोई बुक नहीं है या आपको कहीं से होमवर्क नहीं मिल रहा है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप पूरे भारत में कहीं भी बैठे हों, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए हमारा सिर्फ है हु और हुम। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट के जो हमारे 7 वर्ड्स बच गए हैं उनका प्रयोग। तो अगले वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।